ये गेट है अभी कहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ है। एक तरह तरह भी फट जाता है यार। ये देखे सीपी, ये लोगों ने अपनी मन्नतों शन्नतों के धागे छाप। वाह जी वाह। अभी मैं टेस्ट करने लगा, बहुत मज़ेदार लग रही है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सर अभी सुबह सुबह के 8 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ मराली वाला शेखपुरे जाते हुए रास्ते में आते हैं और हमारे कुछ अजीज़ हैं तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। उसके बाद का प्लान आपको शेयर करेंगे कि कहाँ जाना है आज। बड़ा मज़ा आने वाला, तो मेरे साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको आज इंशाल्लाह। आज अभी देख सकते हैं धुंध कितनी ज़्यादा, देखें ज़रा। अभी थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन इस टाइम की बनस्बत बहुत ज़्यादा है अभी भी, ठीक है, समझ रहे हैं। सो अभी बस इंशाल्लाह जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं तो मराली वाला तक लोकल ही जाऊँ और उसके बाद फिर आगे से बाइक्स पे जाएंगे, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जो ही मैं मराली वाले पहुँचूँगा आपको अगली अपडेट दूंगा। बस अभी जल्दी जल्दी मराली वाला पहुँच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना मत भूलना। धुंध चेक करो बादशो, नज़र ही कुछ है नहीं आ रही। सुबह सुबह चारा वगैरह जो है ना आ गया हुआ है, ठीक है, अब कटिंग हो रही है इसकी। ये है ख्याली चौक, अभी मेरे को इधर जाना है। बादशो धुंध चेक करो यार, शेखपुरे रोड पे तो कोई शह ही नहीं नजर आती। चेक तो करो जरा, इधर तो माहौल ही और है। डस्ट भी भीजी है, धुंध भी भीजी है और बंदा उसमें ना गैप भी हो जाता है। कि मैं जो है ना अपने अजीज जो है उनके घर पहुंच चुका हूँ। यहाँ से निकलेंगे तब आपको सीन दिखाएंगे अगला। अभी बस जल्दी जल्दी उनके घर जाते हैं, पहले ही मैं 1.5 घंटा लेट हो गया हूँ। नजर आ रहे हैं तुम्हें। भाई साहब इधर से अमरूद लेंगे थोड़े से, अभी भाजी फुल ताजे जे नाल पा के ताजे आ जड़े अद्धे कच्चे पके ना ओले कट दो मीठे मीठे वादी दे यार रे भाजी। हां मत बताओ कोई ऐ देखो यार खीरे कटे जा रहे ने। इधर से अमरूद खाएंगे और फिर आगे सफर जाना की तैयारी करेंगे अपना। क्या बात है जी, जाली मार दी आगे आपने। ए भाई जान बज गई अपी यार। कम से कम कह रहे 1 घंटा ऐसी रहना है। ये पंप चेक करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी अपडेट दे रहे हैं। ये चेक करो भाई साहब, इधर पट्टे छट्टे कटे जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा व्यू है यार, ठीक है। भाई साहब काम तो जोरों शोर से हो रहा है। ये देखो यार तीनों लड़कियां, मतलब के औरतें हैं तीनों। अरे कहना क्या चाहते हो? गुजरनिया गुजरनिया। आखिरकार बड़ी देर के बाद जा
यार यार ये देखे सिप्पी हो इतनी ज्यादा सिप्पी है ना। इधर सारे के सारे तालाब हैं, इधर करीब ही हेड है, हम काफी करीब 10-12 किलोमीटर रह गए, ठीक है। और ये तालाब चेक कर, इस तरह इन्होंने बेशुमार रोड के इधर उधर दोनों तरफ तालाब ही तालाब बनाए हुए हैं। और ये देखें सिप्पी इन्हों के बच्चे देंगे होने। देखो यार भैया हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हेड के पास पहुंच गए बिल्कुल। ये पहले छोटी सी नहर आती है, उसके साथ फिर जो है दरिया झेलम आ जाएगा जिसके ऊपर हेड बना हुआ है। इधर सारी मच्छी मच्छी है, वो देखे फार्म कितना बड़ा है, मच्छी कितनी ज्यादा बड़ी। हर बंदे ने मच्छी लाई है, पीछे फार्म है। ये देखे माशाल्लाह, ओ ये भी छोटा सा एक ट्रेलर है, अभी बड़ा वाला हमने आपको दिखाना है। ये भाई साहब पानी चेक करें जरा, और ये रहा बड़े वाला पुल इसका, क्या मस्त जगह है कसम से। ओ गया ही। अच्छा अभी आपको ना वहाँ पे आगे जाके दिखाते हैं, उधर वहाँ पे बड़ा मजे का व्यू है, चलते हैं अभी। ये देखें जरा छाल मार, इतने आएगा वीडियो बनाता, क्या बात है यार यहाँ पे आके। वो देखे जरा इसका शोर चेक करें, अस्तग़फ़िरल्लाह। ये गेट है अभी कहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ है, और पानी की स्पीड चेक करें जरा, कमाल का स्ट्रक्चर बना है कसम से, अमेजिंग। वाह जी वाह, उधर जाते हैं अभी। ओ हो 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 हो, गजब खुदा दा, यार इधर आके तो बंदे का ना एकदम एक तरह तरह भी फट जाता है कसम से यार। हो 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 फुल खौफनाक सीन है कसम से, पानी के छल्ले चेक करें जरा, इधर का व्यू भी बड़ा मस्त है। ओए मजा आ गया यार, आप हैदराबाद दिखाया था मैंने, दिखा दिया है, मस्त सीन है। हो 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 हो, पता है कि ना जान बाहर आ जाती है इस व्यू को देख के, यार मस्त हो गया कसम से, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ देखे हेड कादराबाद लिखा हुआ, कमाल हो गई कसम से। वो सेम टू सेम जो है ना हेड, ये रसूल बराज की तरह जी बंद किया, सारा फिर इधर ही निकल आना, सारा पानी इधर ही आता पाया। देखिए उधर दरिया का पानी जो है ना इन्होंने बंद किया, ये देखिए क्या बात है। ये भैया इसका सारा एरिया है, क्या मस्त जगह है कसम से। इधर का पानी बिल्कुल बंद किया हुआ, गेट साहब जो है ना फुल्ली नीचे आए हैं, थोड़ा बहुत खुला हुआ है लेकिन ये है कि
ज्यादातर तो बंद ही है। गेट देखें यार, वो हो इमेजिन करे बंदा गिरे तो क्या फीलिंग आएगी। बंदे ने तो मिलना ही नहीं जितनी गहराई है। ये देखें इसका ब्रिज है, काफी बड़ा है ये भी माशाल्लाह, क्या बात है। कैमरे शैमरे भी लगे हैं। और ये देखें वो मच्छी की कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है। ये ताहदे निका ब्रिज है, पुल क्या मस्त जगह है कसम से। मैं कहता हूँ मजा आ गया। पहले मैंने वो देखा था रसूल बराज, जिस तरह नाम है उसका, वो मंडी बावलदीन जाए ना उधर को नमक की कान वाली साइड पे, खेड़ा वाली साइड पे ना रास्ते में आता है वो। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है वो भी, एक कसम से कमाल है, इंजीनियरिंग का एक अजूबा है तकरीबन। और ये भी इसी तरह ही है, सेम तकरीबन बना हुआ है, कमाल है कसम से। ये भी अभी आपको ना मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ अंदर से, बड़ा पता का कमाल का व्यू आएगा इंशाल्लाह। वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वो भी। पहले आप ये वाले मज़े करें ना ज़रा इधर से। ये कहते हैं एक सूत्र, पता नहीं अब एक सूत्र कितना सा होता, बट ये उतना सा खुला हुआ है। और इसका ये इतना बड़ा गेट है। और इधर से ये देखें, ये पानी कह लो कि लीक हो रहा है एक तरह से, उसकी लीकेज की क्या कसम से फुहारे हैं। ओहो मैं आपको कसम से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितनी खुशी हो रही है, क्या मस्त व्यू है, मज़ा आ गया। ये देखें कबूतर भी बैठा हुआ है, और कबूतर भी आ गया ये। इसने लगता है मछलियाँ खानी है इधर। अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ आगे। यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी है माशाल्लाह। ये वाले सारे के सारे गेट जो है ना बंद ही किए हुए हैं तकरीबन। बड़ा ही खौफनाक मंजर है, यकीन माने ये ब्रिज पता नहीं कितने टनों में होने हैं कसम से। ये जी माशाल्लाह दरिया शरीफ। कमाल है, इसकी भी काफ़ी बड़ी जो है ना जगह है। ओह अभी हमने जाना है इधर, अगर ये दरवाज़ा खुला हुआ ना तो आपको लेके जाऊंगा आगे। बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इस तरफ तो पानी भी नहीं है इतना, इधर तो बेइंतहा पानी है। और ये बंद भी किया होना है इन्होंने, ये वाला बंद ही होना है, मगर ना वहाँ पे जाते हैं लोग। मज़ा आ गया भाई साहब। अभी हम यहाँ पे मच्छी भी खाएंगे। पहले हमने सोचा ये वाला ब्रिज जो है ना इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद भी है ना अगला काम करते हैं। ये देखेंगे इसका दरवाज़ा छोटा सा, यहाँ से अभी मैं देखता हूँ खुला कि नहीं, पहले ये देखते हैं। ओहो भाई साहब ये तो पक्के वाले बंद हुए पड़े हैं, जाना किधर से। ओ चले अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे जो है ना सही वो नज़र आ रहा है इसका फर्श। इधर पानी का प्रेशर तो देखें जो है, बाकी जो बंद है ना उसका व्यू कैसा है ये देखें। ऊपर पानी खड़ा हुआ सारा, मस्त हो गया जी। क्या मज़ा आया मुझे यहाँ पे आके भाई साहब। वो दोनों जो है ना, ये दो जो मेरे साथ आए हैं भाई, ये वहाँ पे खड़े हैं, और मैं जो है ना इस ब्रिज को इंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ गया। इधर का भी यही सीन होना है फिर तकरीबन, देखा ना ऐसे ही है। और ये देखें जी इस कदर मट्टी आई है यहाँ पे कि पानी जो है ना उसके ऊपर, ये पता नहीं किस किस्म का पत्ते से बने पड़े हैं। ये देखें ये सारी मिट्टी हो गई पड़ी यार। आपको वो आपसे बड़ी माजत करते हैं, यहाँ पे हम आपको नहीं लेके जा। ये पक्के वाले बंद किए हैं। ये सारी गाड़ी पता कौन सी जा रही है इस टाइम, मच्छी वाली। बड़ी स्मेल आ रही है इनकी, क्योंकि ये सारी यहाँ पे काम ही इस तरह का, बड़ी मच्छी है। और इधर ये देखें पता नहीं किस तरह के माशाल्लाह स्ट्रक्चर हैं यार। मुझे इन चीज़ों को देख के बड़ा मज़ा आता है कम से कम, कमाल है। बहुत मज़ा आया कसम से यहाँ पे आज, क्या बात है। जब हम रसूल पर आज गए थे ना तब उसके ये वाले गेट कुछ खुले हुए थे, उसकी वजह से ये पुल पर आता, जैसे कि ये किसी से भरा है ना, ये उसी का ही पानी आ रहा है, ठीक है।
तो माशाल्लाह से क्या मज़ा आया यार यहाँ पे आ गया। अब वो देखे सामने ना कच्ची आबादी है सारी, उधर रसूल बराज की तो दोनों साइड पे ना ऐसे, इधर इनकी ये जो वॉल है ना उसकी, इस वॉल के आगे वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन जो है ना ऐसे पत्थरों की बनी थी, तो उधर बैठ के लोग इन्जॉय करते थे। लेकिन इसकी नहीं है ऐसा, इसकी तो माशाल्लाह अपनी लेंथ ही बड़ी है कि ओ क्रेन्स वगैरह भी लगी हैं रेत वगैरह निकालने के लिए। क्या बात, चलो अभी वापस चलते हैं यहाँ। ये व्यू चेक करें, ओ वो देखो कछुआ कछुआ, ओह बिल्कुल छोटा सा है अभी। अरे मैं गिरने लगा था अभी, बड़ा एक और कछुआ नजर आया मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दो कछुए नजर आ चुके हैं अब तक। ओ ब्रिज है माशाल्लाह, ब्रिज भी बड़ा खूबसूरत है। और ये इसका सारी गेट्स लगे हैं और मशीनें लगी हैं। अब इसके पता नहीं, ओ इसके भी काफ़ी गेट हैं। ये 46वां गेट है जहाँ पे हम खड़े हैं, और आगे बाकी तकरीबन इसके भी 50 गेट हैं। 50 ही जो है ना रसूल पर आज के थे, 50 ही इसके हैं। मज़ा आ गया यार इसको देख के तो, वाह जी वाह, एकदम बढ़िया है यार। यहाँ पे आके ना एकदम इतनी खुशी होती है ना, मैं कहता हूँ क्या बात है। ये कभी चला होता ना दरिया भी तो आपको वो भी दिखाता, बड़ा मज़ा आना। ऐसा पूरे के पूरे 50 गेट हैं, मेरी बात सच्ची हो गई है। ये देखें 50 नंबर गेट, इसी तरह ये बाकी सारे ज़ीरो पे है ये गेट, तो उसके बावजूद पानी निकल रहा है इसके ऊपर, मतलब कि बिल्कुल बंद है ये, मतलब है सारा ही बंद है, फिर भी पानी निकलन दे यार। इधर ट्रैफिक जाम हो गई। और यार क्या खूबसूरती है कसम, देख देख के ना दिल भी बाहर आता है, खौफ आता है ना तो, और देखने का मज़ा भी बड़ा आता है। कैसा लगा आपको ये, अगर अच्छा लगा इसको ज़रूर ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और अभी आपको नीचे भी लेके चलते हैं, उसका भी जाकर व्यू तो आते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा पहले सोच रहे थे उधर जाएं, लेकिन अभी हमने सीधा ही जाना है, ये पूरा पुल विजिट करते हैं। वहाँ से कुछ शेख खा लेंगे, वहाँ से गुजर के नौशो पार्क जाना है। वहाँ पे इमरान भाई नौशो पार्क की दरबार ही, अच्छा उधर कोई दोस्त नहीं मिलने जाना है। सही, अभी दरबार दरबूर नहीं चले, उन्हें यार मिलने चले, ठीक है। तो नहीं टाफी टूफी कुछ पानी नहीं दो, बस चलते हैं अभी वहाँ पे जाते हैं। अभी मच्छी जो है ना वो हमने खानी है, बड़ा सफ़र करके हेड से भी आगे आ गए हैं, ठीक है। मच्छी वगैरह फिर बाद में खाएंगे, अभी पहले दोस्त मिल के आते हैं। चंगा ही
अच्छा जी, अभी जो है ना हम नौशो पार्क पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक दोस्त है, उनको मिलने, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, बस मिलने आप चले जाएंगे। ओए ओए, बालों दी हालत चेक करो यार, कसम से हाथ नहीं घुस रहा अंदर। क्या अंदर ही आयो, मैं क्या पूरा हश्र, ये देखें। यार मेनू तो लग अभी ना इधर नलका लगा हुआ है, यहाँ से जो है ना सर वगैरह धो लेंगे, ठीक है। बेड़ा गर्क हो गया यार, यहाँ जहाँ पे मच्छी खाएंगे ना वहाँ पे कर लेंगे। देखें यार, मेले की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ कस्म की चादरें हैं, मेवा जात, फूल, लटर पटर, धागे, खिलौने, फुल मॉल है भाई साहब यहाँ पे। और ये दरबार है अंदर, बड़े किस्म के लोग नजर आएंगे आपको इधर। अरे बाप रे, ये दरख्त चेक करें यार, इधर जूते उतारते हैं इस तरह, ठीक है, नंगी पैरी। अब ऐसे जाना है अंदर, वो बड़ा मोल है यार यहाँ पर ऐसे। ये कितने मुरीदों की कब्रें हैं सारी यहाँ पे। सारे मुरीदा की कब्रां ने, सारे मुरीद ने इतने जी कब्रां बनाईया ने। आम बंदे की कब्र नहीं बन देंगे, मेनू बना दवो भाजी, तौबा मेरी, तो थोड़ी गल ठीक। ये है जी नौशो पार्क की कब्र। मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, फर्स्ट टाइम ही आया और नाम ही मैंने पहली दफ़ा ही सुना है। और ये जो है ना, इनके कहने पे आए हैं यहाँ पे। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्या सीन है, ठीक है। मैंने इतना नॉलेज नहीं रखा इनके बारे में, बाकी अंदर से हमने भी कर लिया, ठीक हो गया, बस अभी चलेंगे वापस। एक ये भी इसका दरवाज़ा है। ये लोगों ने अपनी मन्नतों शन्नतों के धागे, शापर, लटर पटर, लोगों ने मन्नतां बनिया होनी ने अपनी, है ना। अय्या की बंदे ना कहने धागा खोलना नहीं कि मन्नत पूरी ना हो। ये दीवे देखे कितने ज़्यादा पड़े हैं यहाँ पे, ठीक हो गया जी। ए सी भी लगा, इधर भी कितने ज़्यादा है, जनरा के बने आए पूरी नहीं हुई, ताले भी लगाए हैं लोगों ने। वो बेबाज है, जिंदगी निकल गई। तो यार सारी तरफ है, इधर भी है, तीन खिड़कियां नजर आई हैं सारी तरफ ही, ऐसी मजा आया। बाग में शायद लग गया, अंदर लगा है ये। ओ यार देखें, इधर शायद भी लगा हुआ है। ओए मक्खियां भी जे इत्थे भाई साहब, फोटो शोटो जो है ना वो बनवा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप देखें माशाल्लाह, इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा कमाल का बनाया है इन्होंने, ठीक है।
शूज़ वगैरह जो है ना उतार दिए थे बाहर ही, और यहाँ पैसे आए थे। ठीक है, लोगों ने चादरें वगैरह चढ़ाई हुई हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये गल्ला शल्ला बनाई है, इधर से बाहर निकल जाते हैं। चलो यहाँ पे आपको मैं एक बात एक्सप्लेन कर दूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। ठीक है, मतलब हम दरबारों दरबारों पे नहीं जाते बिल्कुल भी, बस विज़िट के तौर पे आए थे। दोस्त हैं इधर एक, तो उनको उन्होंने मिलना था तो मैं भी साथ ही चला आया, और ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर ऐसे शिर्क से महफूज रखे, आमीन। तो बस अभी वो भी आ जाते हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जाकर शूज़ वगैरह पहनते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। अब भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जल्दी जल्दी कर लें आप। ठीक है, और बाकी का काम आपको बाद में करते हैं। ये प्यारी सी कैट भी आ गई है। एंड तो यही कहना सी मैनू, एंड तो यही कहना सी। अच्छा जी, अभी आपको ना ये सबस गुंबद वाला जो एक थोड़ा सा मज़ार है, इधर भी आपको थोड़ा सा विजिट करवा देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, अभी इसका भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं क्या सीन है यार। ऐसे जूते शूते उतार लेते हैं भाई साहब, क्या करें फिर, जहाँ जाएं उस जगह के तौर तरीकों को और उसके कानून को फॉलो करना पड़ता है। ये ले कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सोचा जैकेट उतार के कंधे पे रख लेते हैं और कुछ इस तरह फिरते हैं। यहाँ का भी ना, यहाँ की फजा गर्म ही है, एक तरह से सर्दी सर्दी को नहीं है इतनी यहाँ पे। अच्छा भाई जान, अभी हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं, अब जाके मच्छी खाएंगे। ठीक है, बड़ा मजे का सीन था, आराम से इंजॉय किया। अभी बस स्पीड से हमने वापस निकलना है और वहाँ पर जाके अभी खाना खाते हैं दोपहर का इंशाल्लाह। भाई जान, अभी यहाँ पे फ़िश खाने के लिए आ गए हैं। ये देखें, ये है ना बट वाला, बट फिश पॉइंट के नाम से, इधर बड़े सारे ठेले लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो आ गए हैं, अभी बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर अपना माल लगवाएंगे और यहाँ पे खाएंगे बैठ के। ठीक हो गया भवान जी, उत्थे आइयो उत्थे आइयो, इधर जगह ही बड़ी है भाई साहब, जहाँ मर्जी बैठ जाओ जाके, इतनी खुली जगह है ना। और ये देखें इन्होंने किस तरह के घर बनाए हैं फूसे के। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बैठ के खाओ। मैं आपको पीछे तालाब दिखाता हूँ, ये देखें धनिया लगा हुआ है, इधर सब्जी वगैरह लगाई है भाई किसी ने। और ये रहा मछलियों का तालाब, इधर बे इंतहा मछली है, क्या बात है जी, क्या बात है। ओ पानी आ रहा है उधर से, मछली है सिंह। अच्छा जी, अभी बातचीत करने गए हैं, मैं भी साथ आपको दिखाता हूँ सीन सारा, और उसके बाद मछली लगवाते हैं, खाते हैं, बड़ी भूख लगी है, बहुत मज़ा आएगा। भाग के चलो, भाग के भाग के भाग के। फ्राई करके 800 जी, अस उतू आए हैं जो कभी भी नहीं गए होने, सा रैत करो।
ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਯਾਰ? ਖਲੜੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਨੂਈ ਸਟਾਪ ਟਾਪਾ ਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨਾ ਯਾਰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ 750। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਲਿਆਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਾਂ। ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੱਛੀ ਖਾਏਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਇਸਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਪੜੇ ਹੈ। ਬੜੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਕੱਟਦੇ ਨੀ ਕਿਲੋ? ਇਹ ਦੇਖੇ ਯਾਰ, ਕਾਨੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਧਰ ਇਧਰ ਬੈਠੋ, ਉਧਰ ਬੈਠੋ, ਉਧਰ ਬੈਠੋ, ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਭੀ ਤੋਂ ਵੋ ਸਾਫ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਬ ਯੇ ਫਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇਂਗੇ ਤਬ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਇਸਕੀ ਰੈਸਿਪੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪ ਸਾਥ। ਅਭੀ ਉਸਕੋ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਖਾਈ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਏਂ। ਯੇ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਗਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੋ ਬਸ ਅਭੀ ਮੱਛੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰ ਸੇ ਧੁਲ ਧੁਲ ਕੇ ਜਿਸਕੀ ਉੱਪਰ ਸੇ ਜਿਲਦ ਵੀ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਬਈ। ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏਂਗੇ, ਕੱਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਲੇਂਗੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰੇਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਬਈਆ ਆ ਗਏ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਜੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣ। ਲੋ ਬਈ ਜਾ, ਅਭੀ ਇਨਕੋ ਲਗੇਗੇ ਮਸਾਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਮਕ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਫਰਾਈ ਵਾਲਾ। ਸਹੀ, ਲਸਣ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਮਰੇਗੀ। ਅਸਲ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਕੇ ਲਈ ਰੱਖੇਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬੇਸਣ ਵੀ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਜ਼ਰਾ। ਲੋ ਬਾਈ ਜਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾ ਇਸਕੋ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈਗੇ। ਆਇਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਕਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਫਿਸ਼ ਡਾਲੇਂਗੇ ਐਸੇ। ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਪੱਕਣੇ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ।
जी मिल जाएगी रोटी, रोटी गरम गरम मिलेगी। क्या बात, अंकल कह रहे हैं खुद ही आग बनाओ, तो मैं तो बनाने लग गया। बड़ा पैंदा पे, सही बात है, फुल पट्टी बलदी पई है। अब दूसरे भाई आ गए हैं, वो जो है ये काम करने लगे। मुझे तो यार ये ऐसे बड़ा ही धुआं तेज है, ये सही गल है। 50% हो ही गई होनी, 50% हो ही होनी। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਹੋ ਗਏ 17-18 ਸਾਲ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੱਛੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਆ ਗਏ? ਮੱਛੀ ਕੋਈ ਤਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤਲਾਅ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਰਗੋਦਿਆਂ। ਸਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? अगला सीन पता नहीं क्या, अभी अंकल बताएंगे खुद ही। लो जी अंकल, हुन की करना है दा? थोड़ा सा लगा कद बाना में, जेड़ा पानी है ना थले निकल जाएगा। ठीक ठीक ठीक, हाफ फ्राई करने तो बाद ए काम करी दे भाई। सही हो गया, सिंगल फ्राई नहीं ना होती, फ्राई डबल ही होती। ठीक ठीक, घर भी पकानी हो तो यह तरीका ठीक है, बढ़िया हो गया, वरना फिर वो पानी की नमी रह जाती है। सही हो गया। लो जी अभी दोबारा से अंकल इसको डालेंगे अंदर। हो गई, उस साइड पे खड़े होने से ना धुआं पड़ता है बड़ा, मैंने कहा इधर ही खड़े होकर बना लेते हैं वीडियो के लिए। ये नींबू काट रहा हूं। ठीक ठीक, नींबू भी माशाल्लाह अच्छे हैं, जूसी हैं भाई। बढ़िया हो गया जी। बड़ा मज़ा आ रहा है यार, फिश देखने का भी और बनवाने का भी, खाने का तो और ही मज़ा होगा यहाँ। मुझे तो ये चीज़ें बढ़िया इंप्रेस कर रही हैं, सही बात है। यहाँ पे ना बिल्कुल बगल में दरिया है, एक तरह बिल्कुल किनारे पे हैं ये सब लोग, ठीक है। और ये उसकी जो है एक छोटी सी नहर आपको मैंने दिखाई थी, ये वो है, ठीक है। जब भी सैलाब या पानी ज़्यादा होता है ना, तो ये सब लोग उड़नछू हो जाते हैं इधर से, इसलिए इन्होंने ये कुछ इस तरह के घर बनाए हुए हैं, पक्के घर नहीं बनाते, ठीक है, ये वजह है इसकी। लो भाई जान, फिश हमारी जो है ना पक के रेडी हो गई है। माशाल्लाह, कसम से क्या खुशबू आ रही है, मज़ेदार है, बेहतरीन माशाल्लाह। अभी इसके ऊपर लीमू वगैरह लगाएंगे और मज़े की हो जाएगी। ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ? ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ। ਸਹੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ।
मेरी अंकल लेके आ गए हैं, इधर रखते हैं अभी। माशाल्लाह भाई अभी रोटियां भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। और फिश जो है ना हमारी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके साथ दो दो हाथ करते हैं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हाँ ले जी, अभी मैं टेस्ट करने लगा, बहुत मज़ेदार लग रही है। देखिए भाई वाह क्या जूसी है, इसके फ्लेवर बड़े मजे के हैं, बेहतरीन बनी हुई है। अभी इसको रहते के साथ भी टेस्ट करते हैं। A1 बन गया बस, अभी इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद आपसे जी। जवानों ने हर चीज उड़न छू कर दी है, मछलियों के पसलियां निकाल दी। इंज लग रहा है साडी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ ही है पर नहीं, जिंदगी में बड़ा कुछ होना है। खत्म कर दी है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी को मज़ेदार थी। हाँ जी भाई जान, मज़ेदार थी जी, बिल्कुल मज़ेदार, बेहतरीन थी ना। हाँ जी इमरान भाई, हाँ जी A1 छा पे बहुत मज़ा है। वो अभी भी खा रहे हैं, उनकी आखिरी आखिरी बाइट्स रह गई हैं तो वो खा रहे हैं। बाकी यार अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने बहुत मज़े की बनाई है। कहते हैं जब ये इधर जहाँ पे अभी हम दरबार में गए थे ना, जब कहते हैं जहाँ पे मेला लगता है ना, फिर कच्ची पक्की पका गए, हो गई लोग गाली निकाल के जाते हैं फिर इनको। अभी जो है ना सुकून के साथ थी, कोई कोई कस्टमर आ रहा है तो ये जो है ना बना के सुकून के साथ खिला रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। अभी घर चलते हैं इंशाल्लाह, रास्ता तो आपको सारा आया जाया दिखाया ही है, अभी सुकून से घर जाएंगे क्योंकि अभी खाना खा लिया, बड़ी नींद आनी लग जानी है, ठीक है। बस अभी इंशाल्लाह सुकून से घर जाएंगे, घर जाके आपसे मिलेंगे और आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो आज रात को या कल सुबह तक इंशाल्लाह आ जाएगी, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप देखना बहुत मज़ा आएगा। उठने की देर हुई है, कौवों ने ऐसे बौछाड़ कर दी है अपनी एकदम से, और बोतल भी चौके ला जाएंगे थे। लो जी भाई जान, अभी इस टाइम घर पहुंच गए हैं, ठीक है। मोबाइल की थोड़ी बैटरी बहुत थी, मैंने सोचा तार छोड़ देना, चार्जर साल लगा के वीडियो बना लेते हैं। अभी घर पहुंच गए हैं, टाइम मगरिब से भी ज़्यादा का हो गया हुआ, ठीक है। मगरिब की माज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली आपके भाई ने, अभी बस वीडियो एडिट करनी है और ये वाली वीडियो का एंड भी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। और मैं आपको बताता चाहूँ कि अराउंड 75 किलोमीटर के करीब जो है ना सफ़र हमारा बन जाता था जो हमने तय किया है, सिर्फ एक आने आने का बता रहा हूँ, अगर दोनों का मिला लें तो फिर वो 150 के करीब बन ही जाता तकरीबन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, आपको भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा जब आप वीडियो देखेंगे। तो आप से गुजारिश है कि आप अपने लिए भी और हमारे लिए भी दुआएं करें, अल्लाह पाक सबको कामयाबियां नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। देखें भाई जान, तकरीबन इतना सफ़र हमारा बनता है, अगर यहाँ से ये देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इधर से वैसे हम गए हैं जाती दफ़ा, और ये अलीपुर से जाके मिल के फिर हम आगे चले गए इधर, लेकिन वापसी पे हम ये जो बिलू बिलू लाइन नज़र आ रही है ना इधर इधर से आए हैं, तो बिलू बिलू वाला अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन इतना जो है ना बन जाता है सफ़र। तो वापसी वाला जो जाते दफ़ा गए थे वो तकरीबन इतना था, इस हिसाब से ये जो है ना इतना ज़्यादा बन जाता सफ़र। बाकी आपको मैंने ये बताना था कि ये जो है ना सफ़र तय हुआ है।